Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant, and a CEO coach. Aaj ka topic hai, small 90 days will create tall 9 months. One more time. Small 90 days will create tall 9 months. Meri koshish rehti hai, main jab bhi ek video banau, aap logo ke liye implementation karne layak video banau. Aisa nahi ki main aaya, video banaya aur chala gaya. Balki aisa ki ek aisa tool, ek aisa formula aapko deke jaun har video mein, jisko aap implement kar sakein, aapke jeevan mein aasan ho. Aur aaj ka tool hai, small 90 days will create tall 9 months. इसका अर्थ हुआ आप जीवन के हर साल को सफल बनाना चाहते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं और आज का फॉर्मूला क्या है जो फर्स्ट 90 डेज है वो नेक्स्ट 9 मंथ्स को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपके फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि फर्स्ट 90 डेज आपके नेक्स्ट 9 मंथ्स को बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे. नेक्स्ट 9 मंथ्स अच्छे जाएं इसका अर्थ क्या है, पहले 90 डेज बहुत अच्छे जाने चाहिए. अगले 9 मंथ्स अच्छे कैसे जाएं ये डिपेंड करता है कि अभी के 90 डेज कैसे जाएंगे. जो लोग हर साल अपनी प्रमोशन ग्रोथ या सैलरी हाइक नहीं ला पाते हैं उसका एक कारण यही है क्योंकि उनके पहले 90 दिन खराब थे, अगले 9 महीने पक्का खराब हो जाएंगे. माइंडसेट और स्किल सेट, ध्यान दीजिएगा, माइंडसेट और स्किल सेट दोनों डेवलप करने पड़ेंगे. पहले 90 दिनों के अंदर माइंडसेट को डेवलप करना होगा कि किस स्किल सेट की जरूरत है. माइंडसेट ठीक हुआ तो स्किल सेट जल्दी ही ठीक हो जाएगा. लेकिन पहले 90 दिनों के अंदर जो शिफ्ट आता है ना माइंडसेट के अंदर, वो सब नहीं ला पाते हैं. जो लोग पहले 90 दिनों के माइंडसेट के शिफ्ट को ले आएंगे वो अगले 9 महीने के स्किल सेट को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर जाएंगे. पर चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है. कम ऑन मोर टाइम, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है तो क्योंकि माइंडसेट को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए वो तैयारी कर नहीं पाता है. पहले 3 महीने की माइंडसेट स्टेबिलिटी आपके स्किल सेट में एबिलिटी लाएगी अगले 9 महीने के अंदर. तो फर्स्ट 90 डेज में जैसी रूट डेवलप करेंगे नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको वैसा ही फ्रूट मिलेगा. यानी कि शुरुआत में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा. अभी प्रिपेयर नहीं किया, बाद में इंजेक्शन और स्प्रे मार मार के केमिकल का फ्रूट को रिपेयर करोगे, फ्रूट रिपेयर होगा नहीं. इसीलिए आज गलत फ्रूट और केमिकल युक्त फ्रूट मिल रहे हैं जो कि वो फर्स्ट 90 डेज में तैयारी ठीक नहीं करी, इसलिए नेक्स्ट 9 मंथ जितना फ्रूट आ रहा है सारा गलत आ रहा है. ये रूट्स हैं, वो फ्रूट्स हैं. अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स ठीक करो. कम ऑन, अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट ठीक करो. अच्छा, आप जानते हैं आप अपने आप को चेंज करते क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू में रिजल्ट दिखता नहीं है. जो आदमी सिगरेट पीता है, लगातार सिगरेट पीता है, अगर उसको पहली सिगरेट में ही खून की उल्टी हो जाएगी वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा. अगर पहली सिगरेट में ही उसको ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर हो जाएगा वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा. पर क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है. शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है कि वो पता ही नहीं चलता, जल्दी ही कैंसर भी होगा, जल्दी ही ट्यूबरक्लोसिस या कई बीमारियां हो जाएंगी. पर क्यों नहीं पता चलता है? ये क्यों व्यक्ति सिगरेट पीता है? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, पता नहीं चलता है. न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क उड़ने वाला जहाज अगर शुरू में 1 डिग्री अलग हो गया तो चांसेस हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1,00,000 किलोमीटर दूर जाएगा. शुरुआत का 1 डिग्री पता नहीं चलता है. मैंने क्या बताया, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू का 1 डिग्री कभी नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट वो बहुत बड़ा हो चुका होता है. शुरू में पहले 90 दिनों में आपको रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है. शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है. शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं. शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है. शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है. शुरू में अगर आप किसी के साथ प्यार की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, रिलेशनशिप खराब होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है. शुरू के 90 दिन आगे के 9 महीनों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे, लेकिन शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है इसलिए मोटिवेशन आता नहीं है. सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता, सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा फोन कॉल नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. चलिए मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं. और पहला ऑप्शन है, मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए. और दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, चलिए छोड़िए 1 करोड़ रुपया देता हूं, अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं, 10 करोड़ रुपए दे देता हूं जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा. दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए. तो मेरा प्रश्न है, आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, ये 1 रुपए और 10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है. तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल. देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा. 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए. 10 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए
रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं, पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं, पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। शुरुआत में आपको 1 रुपया कम लग रहा था, पहले 5 दिन तक भी कम लगता है, 10 दिन तक भी कम लगा, 20वें दिन तक भी 1 रुपया बहुत कम लगा, लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। इसलिए मैं कब से कह रहा हूं, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए व्यक्ति एफर्ट नहीं करता। जितने बड़े एथलीट्स थे उनको भी शुरू में रिजल्ट नहीं मिला। मैं एक यूट्यूबर हूं आपके साथ, एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब मैं शुरू में आया था, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्टॉलवर्ट थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे लेकिन मैं फास्ट मूवर था, वो लोग फर्स्ट मूवर थे, मैं एक बहुत फास्ट मूवर था, मैं बहुत तेज चला। और क्या हुआ, शुरू के मेरे वीडियो तो कोई नहीं देखता था, आज ऑर्गेनिक कॉल्स इतनी आ रही हैं, आज हमारे को इतनी लीड आ रही है, यकीन मानिए हम ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं जितना मैनेज कर सकता हूं उससे 20 गुना ज्यादा बिजनेस आ रहा है मेरे पास। रोज लोग हमें फोन कर रहे हैं, मिस्टर बिंद्रा इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए। यकीन मानिए, मैं जहाज में सोता हूं और दिन भर ट्रेनिंग करता हूं, इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं, लगातार ट्रैवल कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू के दिनों में मैं बहुत थोड़ा बिजनेस करता था, लेकिन आज बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, अगले 9 महीने बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं, शुरुआती रिजल्ट मिलता नहीं है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। यही शुरुआत है जब स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट मूवर होंगे, पर आप फास्ट मूवर बन जाइए, वो फर्स्ट मूवर अपने आप पीछे हो जाएंगे। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसको बीट करिए। इसी पहले 90 दिन में अगले 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। आज आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए, बोले राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं। तो राजा बोले मांगो। साधु क्या चाहते हो, मांगो। बोले राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले तौहीन, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप केवल अनाज के कुछ दाने मांगेंगे, कुछ भी ले लीजिए ना आप मुझसे। साधु बोले नहीं नहीं राजन, कुछ ही अनाज के दाने चाहिए। बोले कितने चाहते हैं आप। बोले तुम्हारे इस चेसबोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर्स हैं आपके इस चेसबोर्ड पे और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए। यानी कि पहले स्क्वायर पे पहला दाना और दूसरे स्क्वायर पे दो दाने और तीसरे स्क्वायर पे चार दाने। तो जिस प्रकार मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी बताई, ये दूसरी स्टोरी है। और जानते हैं राजा ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं, साधु आप मेरे पास आए तो कुछ बड़ा मांगिए, ये थोड़े से अनाज के दाने तो आप खुद भी ले सकते थे, किसी से भी ले सकते थे। साधु बोले राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो राजन बोले क्षमा चाहता हूं साधु, सिपाहियों जल्दी आओ, तुरंत साधु को जितने अनाज के दाने चाहिए ये दे दो। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राही माम, राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ राजन, वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। क्या राजन, वो साधु बुद्धिमान है, वो जितना अनाज मांग रहा है इतना अनाज तो पृथ्वी में कभी उगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, कितना मांग रहा है, तो जरा सामने देखें, ये डबल होते 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 और ये जो सामने फिगर आ रहा है ये शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना अनाज उसको चाहिए था और इसका 1/4 अनाज भी 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए काफी है। ओहो, मैं तो कब से बता रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए व्यक्ति डीमोटिवेट होकर छोड़ देता। मैं कब से कह रहा हूं आपसे, पहले 90 दिन अगले 9 महीने बहुत ताकत दे देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं एक पावरफुल फॉर्मूला लाऊं जो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए, जिसको मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट कर सकूं। ध्यान रखिएगा, शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना, शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना। यह शुरुआती रिजल्ट क्योंकि छोटा होता है इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं, छोटे को छोड़ना नहीं, यह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यह आगे चलकर
करके कई गुना बढ़ने वाला है। हो सकता है आपने मेरा 90 डे फोकस फॉर्मूला वीडियो देखा हो, ये वीडियो भी उसी के एक्सटेंशन में बनाया गया है। मैं हिंदी वीडियोस बनाता ही इसलिए हूं कि मेरे आम जनता को, मेरे देशवासियों की मैं मदद कर सकूं। माय क्वेश्चन टू यू अगेन इज, व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज? राइट डाउन व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चाहूंगा आप अभी के अभी लिखें। जितनी जल्दी लिखेंगे उतनी जल्दी ब्रेन वायर हो जाएगा और आपके लिए करना और आसान हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का फायदा होता हो तो उसको तुरंत शेयर कर दीजिए। नॉलेज तो शेयर करते ही रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।